नमस्कार दोस्तों, आने वाले दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं सी अनूप भाटिया आज आपके सामने टॉपिक लेकर के आया हूं TCS ऑन फॉरेक्स रेमिटेंसेस। बेसिकली जैसा कि आपके नॉलेज में ऑलरेडी होगा कि गत 1 अक्टूबर 2020 से यानी लास्ट 1 अक्टूबर 2020 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रावधान किए हैं, दिस काइंड ऑफ प्रोविजंस आर मेड कि अगर आप फॉरेक्स रेमिटेंस इंडिया से बाहर विदेशी मुद्रा भेज रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो ऑथराइज डीलर है यानी सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो बैंक आपसे TCS भी कलेक्ट करेगा। तो इन्हीं प्रावधान के डिटेल्स के साथ आज की ये छोटी सी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के कवरेज में क्या क्या आपके सामने आने वाला है, व्हाट इज न्यू TCS प्रोविजन, नए TCS प्रोविजन क्या है, उनकी हल्की सी डिटेल लेना, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS, TCS कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है, फ्रॉम होम TCS शेल बी कलेक्टेड, TCS किस व्यक्ति से कलेक्ट किया जाएगा, TCS शेल बी कलेक्टेड एट व्हाट रेट, TCS के कलेक्शन की रेट क्या होगी, व्हेन नो TCS एप्लीकेबल, TCS कब लागू नहीं है, और दोस्तों कुछ और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होंगे आपकी नजर में जरूर लेके आता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, व्हाट इज द न्यू TCS प्रोविजन, नया TCS प्रोविजन क्या है। जैसा सेक्शन 206C के अंदर ये नया सबसेक्शन 1G फाइनेंस एक्ट 2020 से इंसर्ट हुआ है, वो यह बोलता है एवरी पर्सन बीइंग एन ऑथराइज्ड डीलर हु रिसीव्स एन अमाउंट फॉर रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम अ बायर बीइंग अ पर्सन रेमिटिंग सच अमाउंट आउट ऑफ इंडिया अंडर अ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ द RBI, बीइंग अ सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज हु रिसीव्स एनी अमाउंट फ्रॉम अ बायर बीइंग द पर्सन हु परचेजेस सच पैकेज शेल at the time of debiting the amount payable by the buyer or at the time of receipt of such amount from the said buyer by any mode whichever is earlier collect from the buyer a sum equal to 5% of such sum as income tax. To put it in simple terms, I can simply say sir, मान लीजिए for example मेरा brother UK में पढ़ाई कर रहा है और मैं उसकी education के लिए इस साल उसको 10 लाख रुपीज रेमिटेंस करना चाहता हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में मैं अपने बैंक के पास जाऊंगा और बैंक से कहूंगा साहब ये 10 लाख रुपए आप विदेशी मुद्रा में मेरे मित्र को या मेरे ब्रदर को भेज दीजिए। जब मेरे ब्रदर को ये 10 लाख रुपए भेजे जाएंगे सर, तो ऐसी परिस्थिति में बैंक मुझसे 10 लाख रुपए लेगा, 10 लाख की कमीशन लेगा, उस कमीशन का GST लेगा और दोस्तों साथ के साथ बैंक मुझसे TCS भी कलेक्ट करेगा एट द रेट 5%। इसी के साथ दोस्तों अगर मान लीजिए मैं विदेश यात्रा पे जा रहा हूँ, हालांकि COVID-19 की वजह से ज़्यादातर विदेश यात्राएं भी बाधित हैं, लेकिन मान लीजिए टूर प्रोग्राम पैकेज किसी ने परचेस किया, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई भी और कंपनी भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है। तो जब वो टूर पैकेज कोई व्यक्ति परचेस करता है तो जो टूर प्रोग्राम पैकेज बेचने वाला व्यक्ति है, सेलर है यानी टूर एंड ट्रेवल कंपनी है, वो उस बायर से जिसने वो पैकेज बायर ने बाय किया है उससे 5% की रेट पे दोस्तों TCS कलेक्ट किया जाएगा। Who is required to collect TCS? TCS कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो जैसा मैंने पहले बोला और स्पष्ट बोलता हूं सर, एन ऑथराइज्ड डीलर हु रिसीव्स एन अमाउंट फॉर रेमिटेंस आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम अ बायर बीइंग अ पर्सन रेमिटिंग सच अमाउंट आउट ऑफ इंडिया अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ द RBI। बेसिकली सर ये बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि LRS के अंदर एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल एक साल में $2.5 लाख तक इंडिया से बाहर भेज सकता है। अब वो $2.5 लाख मेडिकल सर्विसेज के लिए हो सकते हैं जो वो व्यक्ति अवेल कर रहा है, उसके रिलेटिव के इंडिपेंडेंट के लिए हो सकते हैं, एजुकेशन के लिए हो सकते हैं, घूमने फिरने के लिए हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकते हैं। तो ये जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में एक इंडिविजुअल इंडिया से बाहर पैसा भेज रहा है उसको 5% का TCS और देना पड़ेगा अपने ऑथराइज डीलर को। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो कि एक सेलर है बीइंग सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज हु रिसीव्स एनी अमाउंट फ्रॉम अ बायर बीइंग द पर्सन हु परचेजेस सच पैकेज, यानी जहां पर एक टूर प्रोग्राम पैकेज सेल किया जा रहा है, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज, तो जो टूर प्रोग्राम बेचने वाली पार्टी है वो सामने वाली पार्टी से यानी प्रोग्राम बायर से, पैकेज बायर से 5% का TCS कलेक्ट करेगी। एट वॉट रेट TCS शेल बी कलेक्टेड, TCS किस रेट पे कलेक्ट करना है दोस्तों, जो भी ऑथराइज डीलर है या टूर प्रोग्राम पैकेज सेलर है वो TCS 5% की रेट पर कलेक्ट करेगा। लेकिन अगर रेमिटेंस जो इंडिया से बाहर जा रही है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने ली है इन फॉर्म ऑफ एन एजुकेशन लोन, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों TCS की रेट मात्र 0.5% ही रहेगी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि टीसीएस की रेट 5% या 0.5% होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन नो टीसीएस शैल बी एप्लीकेबल, टीसीएस कब एप्लीकेबल नहीं होगा? तो लॉ ये बोलता है साहब, टीसीएस शैल नॉट अप्लाई इफ द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट being remitted by the buyer is less than ₹7 lakh in a financial year and is for a purpose other than overseas tour program package। तो दो बातें बड़ी ध्यान से समझनी है सर। ओवरसीज टूर प्रोग्राम के लिए चाहे आप 7 लाख से कम का भी वो प्रोग्राम लेते हैं, टीसीएस तो कलेक्ट किया ही जाएगा। चाहे आप 50,000 का प्रोग्राम लें, 2 लाख का लें, 10 लाख का लें, कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। लेकिन अगर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर आप कोई रेमिटेंस इंडिया से बाहर भेज रहे हैं, जैसे मैंने एजुकेशन की बात करी, जैसे मैंने मेंटेनेंस की बात करी मेरे रिलेटिव के, इस तरीके की परिस्थितियों में दोस्तों 7 लाख तक की रेमिटेंस पर टीसीएस नहीं है। लेकिन 7 लाख से ऊपर का रेमिटेंस होते ही 5% का टीसीएस कलेक्शन किया जाएगा। जैसे मान लीजिए सर, मैंने 10 लाख का एजुकेशन लोन के लिए खुद फंडिंग किया, किसी पर्टिकुलर संस्था से लोन नहीं लिया मेरे ब्रदर के लिए, तो 7 लाख तक तो टीसीएस नहीं है। एक्स्ट्रा अमाउंट दोस्तों वही 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए के ऊपर बैंक मेरे से 5% की रेट से 15,000 और कलेक्ट करने वाला है। इस प्रकार से सर टीसीएस की रेट एप्लीकेबल होगी। कुछ अदर पॉइंट दोस्तों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हाउ विल बायर क्लेम क्रेडिट ऑफ टैक्स कलेक्टेड, क्योंकि बायर को चिंता यह है कि साहब मैंने तो रेमिटेंस इंडिया से बाहर किया, पहले ही उस फंड का अरेंजमेंट किया, और जो सेलर था, ऑथराइज डीलर था, टूर प्रोग्राम पैकेज वाला पर्सन था, उसने मेरे से टीसीएस और लिया, यानी और पेमेंट मुझे करना पड़ेगा उसको, चाहे वो मेरा खाता डेबिट करे, चाहे मुझसे कैश कलेक्ट करे। तो दोस्तों आपको जो भी टीसीएस यहाँ कलेक्ट होगा उसकी क्रेडिट आपके फॉर्म 26A के अंदर मिल जाएगी। आप उसे अपनी फाइनल टैक्स लायबिलिटी के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा टीसीएस कलेक्ट हुआ है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। टीसीएस रेट इफ द बायर डज नॉट हैव अ पैन और आधार, आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु अगर आपका पैन या आधार नहीं है एज अ बायर, तो आपका 10% की रेट से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। फर्दर बेनिफिट ऑफ 25% कंसेशन इन टीसीएस रेट वेदर अवेलेबल, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। जैसा भारत सरकार ने करंट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए सर कोविड-19 की वजह से टीडीएस की रेटें 25% स्लैश करने का निर्णय लिया, वो निर्णय, वो स्कीम, वो नोटिफिकेशन टीसीएस के संदर्भ में यहाँ पर लागू नहीं है। यानी 5% और 0.5% की रेटें दोस्तों जो मैंने आपसे डिस्कस करी वो यहाँ पर फाइनल है। तो दोस्तों आज के इस डिस्कशन को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं पुनः आप सभी को आने वाले दीपावली पर्व की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर करे ये कोविड-19 की परिस्थितियां अब समाप्त हो, परंतु हमें सजग रहना है, सतर्क रहना है, और साथ ही साथ स्पेंडिंग्स भी करनी है, क्योंकि भारतीय इकोनॉमी दोस्तों जिस प्रकार से चलती है उसमें एक बहुत बड़ा आधार है यहाँ का कंजम्पशन। जब हम कंजम्पशन करते हैं तो वो कंजम्पशन कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को बूस्ट देता है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं सर कि हालांकि आपको मेरी बात गलत भी लग सकती है, लेकिन मेरा यही निवेदन है सर कि किसी प्रकार से कंजम्पशन को बनाए रखिए, और ये कंजम्पशन ही सर हमारी इकोनॉमी को वापस पटरी पे लेकर के जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।